हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। सा हम सभी नवरात्रि का त्यौहार हर्षोल्लास से मना चुके हैं और अब सभी एकजुट होने वाले हैं घर को चमकाने में। क्यों, दिवाली का वेलकम भी तो करना है ना। तो हम दिवाली की सफाई स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपके लिए एक एनर्जी पैक रेसिपी ले आई हूँ। साथ ही दिवाली से जुड़ी कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की रेसिपी से। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी बादाम लिए हैं, 3/4 कटोरी काजू लिए हैं, आधी कटोरी मैंने अखरोट लिए हैं। तो थोड़ा सा घी इसमें इंक्लूड करके 1-2 मिनट के लिए मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है, ताकि इनका मॉइस्चर जितना भी हो इसमें वो चला जाए और बहुत ही क्रिस्पी सा इनका टेस्ट हो जाए। उसी घी में मैंने थोड़े से फूल मखाने भी रोस्ट कर लिए हैं, ये लगभग आधी कटोरी के करीबन है। फूल मखाने भी ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करेंगे, लगभग 1 मिनट हम बचे हुए घी में ही इसे रोस्ट कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को इकट्ठा करके थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रखेंगे। इस बीच में इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और इंक्लूड कर लेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के घी मैंने इसमें ले लिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोंद मिलाते जाएंगे और इस गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं जो गोंद ले रही हूँ वो बारीक दाने का है, तो बहुत ईजीली और थोड़े से घी में ही फ्राई हो जाता है। इसे मैंने हल्का सा मिक्सी में ब्लेंड करके थोड़ा दरदरा कर लिया है। अगर आप मोटे दाने का गोंद ले रहे हैं तो घी की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबका एक सलूशन है। क्योंकि हम सफाइयों में बिजी होने वाले हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हर हाउसवाइफ के साथ यही होता है। तो ये रेसिपी आप पहले ही बना के रख लीजिए, क्योंकि ये रेसिपी होने वाली है कैल्शियम रिच, आयरन रिच। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपके जो हाथ पैर में दर्द की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, बालों के झड़ने की जो समस्या आने वाली है इस सीजन के चेंज होने के साथ ही उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। तो ढेरों समस्याएं हैं हम लेडीज़ की, जिनका सलूशन आपको इस रेसिपी से मिल जाएगा। तो गोंद के फूले निकालने के बाद सेम कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, साथ ही आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा। तो दोनों तरह के आटे को कढ़ाई में लेने के बाद बारी है इसमें घी इंक्लूड करने की। तो ये जो घी आप देख रहे हैं ये घर का बना घी है, जिसे आज ही मैंने तैयार किया है। तो इसी से हम ये रेसिपी बनाएंगे, जिससे कि इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ स्पेशली फ़ीमेल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी घी मैंने इसमें लिया है और सभी आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे गैस को लो फ्लेम पे रखते हुए कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे, जब तक कि ये आटा प्रॉपरली सिक ना जाए। जैसे ही ये आटा सिकने लगेगा इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, साथ ही जो आटे का कलर है वो भी हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। क्या आप जानते हैं जो सिंघाड़े का आटा इस रेसिपी में इंक्लूड कर रही हूँ मैं, वो कैल्शियम रिच है, बीपी को कंट्रोल करता है, इवन थायराइड भी उससे कंट्रोल हो जाता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करता है, साथ ही इंटेंस एनर्जी भी देता है। गेहूं और सिंघाड़े का आटा सिकने के बाद मैंने इसमें रोस्टेड रागी का पाउडर ऐड किया है। रागी का आटा है जो कि रोस्टेड है ऑलरेडी, इसलिए मैंने गैस बंद करने के बाद इसमें इंक्लूड करके इसे हल्का सा मिक्स कर दिया है। पर शायद आप जानते होंगे कि जो रागी है वो भी कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, ईजी टू डाइजेस्ट है और सबसे बड़ी बात वो ग्लूटेन फ्री है और हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, काजू, बादाम, अखरोट और जो फूल मखाने हैं, वो अभी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो उसमें 2 इलायची मैंने छील के डाल दी है और इसे हल्का सा चर्न कर लिया है, एकदम दरदरा मैंने इसे किया है, बारीक नहीं किया है। तो इस ड्राई फ्रूट्स के दरदरे मिक्स को मैं गोंद वाली थाली में ही इंक्लूड कर लूँगी। जो गोंद के फूल हमने निकाल के रखे थे प्लेट में, उसी के साथ इस ड्राई फ्रूट्स को भी रख लेंगे। काजू, बादाम, अखरोट और गोंद हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है ये तो आप सभी जानते हैं, पर शायद आप नहीं जानते होंगे कि काजू और बादाम से हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, साथ ही हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और बादाम, काजू और अखरोट तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग को शांत रखती हैं। काजू से शरीर में दर्द और सूजन की समस्या में कमी आती है, साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
इस ड्राई फ्रूट मिक्स को हमने हल्का सा चर्न किया था, तो कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी बारीक नहीं हो पाए थे, उन्हें मैंने अलग कर लिया है, मिक्सी में डाल दिया है। एक मुट्ठी गोंद भी ले लिया है, साथ ही ये 2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गोटा है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने हल्का सा चर्न किया है, इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए ही चर्न किया है, और ये जो चीज़ें बारीक हो गई हैं ड्राई फ्रूट्स की, उन्हें फिर से हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स का दरदरा मिक्स तैयार किया है, आप चाहें तो इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा और भी बारीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटा जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब है बारी ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने की। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं दिवाली से जुड़ी कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी क्लीनिंग को और आसान बना देगी। तो यहाँ पे इस आटे में सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स कर लिए हैं। इस रेसिपी में काम आने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, पर गोटा हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। तो स्टार्ट हो जाइए कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिए कि गोटे को कंज्यूम करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर आपको लगता नहीं कि मैं कुछ भूल रही हूँ? जी हाँ, इसके टेस्ट को एनहेंस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो कि है शक्कर, तो उसे तो हम भूल ही गए। तो मैंने यहाँ पे लिया है बूरा शक्कर, 3 कटोरी बूरा शक्कर को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी किसको कितना मीठा खाना है ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं। सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घी भी और इंक्लूड कर लेंगे। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी रेसिपी पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ये रेसिपी मैंने स्पेशली बनाई है अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय बहुत हैक्टिक होने वाले हैं, हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने वाला है और हम सभी अपने आप को इग्नोर भी करने वाले हैं। तो इस दिवाली अपने आप को इग्नोर मत कीजिएगा, दिवाली की सफाइयाँ शुरू करें उससे पहले ये रेसिपी बना लीजिए, क्योंकि कहा भी गया है ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो ही तो फैमिली की टेक केयर कर पाएंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 से 2 कटोरी घी लिया है, 2 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है और 1/2 कटोरी ही रागी का आटा लिया है। साथ ही 3 चम्मच शक्कर का बूरा लिया है और ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें 1/2 कटोरी गोंद है, 1/2 कटोरी अखरोट है, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम और 2 इलायची है। इन सभी की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कीजिए। आप इसे लड्डू के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आटे की क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और इसी तरीके से क्रंची खाना चाहते हैं तो बस इसे अच्छा सा मिक्स दीजिए और इसे एक डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। एवरी मॉर्निंग आप इसे 1 कटोरी में ले लीजिए, खा लीजिए और इसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर आप इसे भी लड्डू फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इस क्रंची ड्राई फ्रूट मिक्स को ही आप मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही इसे मिक्स करना है, जब तक कि थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। थोड़ा सा ये बारीक हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हल्का सा तेल छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है, लगभग 30 सेकंड के आसपास ही आप चलाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से, और इस मोमेंट पे बहुत इजीली इसके लड्डू बन जाएंगे। मैंने इसे तैयार करने में आटे के कंपैरिजन में ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा रखा है, ताकि ये जो रेसिपी है वो हम सभी लेडीज़ के लिए एनर्जी गिविंग हो। एक छोटा सा लड्डू भी हमारे दिन भर की एनर्जी को बनाए रखे। और हाँ, 1 लड्डू खाने के बाद 1 गिलास दूध ज़रूर से पीजिएगा। एवरी मॉर्निंग इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए तो आपको दिवाली तक बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी और बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगी। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो जो मिक्सी में हमने ब्लेंड किया है उस मिक्सचर को आप इस तरीके से प्लेट में सेट कर दीजिए और कट कर लीजिए। तो चॉइस कम्प्लीटली आपकी है, आप किस तरीके से इसे कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो हमने एनर्जी गिविंग रेसिपी तैयार कर ली, अब है बारी कुछ और टिप्स की जो कि हमें तैयार करेंगी इस क्लीनिंग को बहुत स्मूथली बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है स्किन रिलेटेड। दिवाली की साफ़ सफाई में डस्ट की वजह से हमारी स्किन बहुत डैमेज होने लगती है, तो आप तैयार कर लीजिए ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का कॉम्बिनेशन,
जो कि बहुत पुराने समय से हमारे घरों में तैयार होता आ रहा है और बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हमारी स्किन के लिए। घरों में जब पेंट होता है तो आप कितना भी पोछा लगा लो पर वो जो पुट्टी के वाइट वाइट निशान होते हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो उसके लिए भी एक टिप है, जब आप पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा तेल इंक्लूड करके पोछा लगाएं, जितने भी वो वाइटपन आ रहा है, सफ़ेदपन आ रहा है, वो सारा का सारा पोछे में बहुत ईजीली निकल जाएगा। तीसरी टिप जुड़ी है आपकी रसोई से। तो आपकी रसोई में निकलने वाले नींबू के छिलकों को फेंकना बंद कर दीजिए, उन्हें सिक्योर करना, प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए चाहे आप छिलके को धूप में सुखाएं, चाहे तो एक बर्नी में प्लास्टिक की डब्बी या कांच की डब्बी में नमक के साथ में उन छिलकों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। छिलके ख़राब नहीं होंगे, एकदम सेव और सिक्योर रहेंगे। अब इन छिलकों को आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी में इन छिलकों को मिक्स कर लीजिए और वो पानी आप ग्रीसी सरफेस को क्लीन करने में यूज़ कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि तारपीन का तेल पेंट वगैरह में काम आता है, पर इस बार आप सफाई से पहले तारपीन के तेल को घर में ले आइए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपकी क्लीनिंग के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पे आप पानी नहीं लगा सकते, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइटें हो गई, पंखे हो गए, मिक्सर हो गया या स्विच बोर्ड हो गया, इन सभी चीज़ों को आप तारपीन के तेल से क्लीन करें, बहुत ईजीली क्लीन हो जाएंगे। ये जो ब्रश आप देख रहे हैं ये पेंट ब्रश है और वो भी पुराना सा, तो इसे मैं डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारी क्लीनिंग में। तो अगर आपके पास भी इस तरह का पुराना पेंट ब्रश रखा है तो आप उसे ज़रूर से यूज़ कीजिएगा क्लीनिंग में। ऐसे सभी एरिया जहाँ पे सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सभी एरिया इस पेंट ब्रश से बहुत ईजीली क्लीन हो जाते हैं। स्पेशली मच्छर जाली, खिड़की, दरवाजे या फिर कूलर वगैरह बहुत अच्छे से इससे साफ़ हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर यूज़फुल लगी है तो फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।